डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरठ में होली और शब-ए-बारात के मौके पर जगह जगह पुलिस फोर्स तैनाती और अलर्ट के बावजूद जमकर झगड़े हुए हैं। यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं इंचोली में हुए झगड़े की, जहाँ होली के दिन रंग लगाने का विरोध करने पर पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। नजर डालिए विवाद की कुछ तस्वीरों पर। मामला मेरठ के इंचोली थाना क्षेत्र स्थित ग्राम सिखेड़ा का है। आरोप है कि गांव के ही दूसरे मोहल्ले में एक मौत हो गई थी। इस दौरान प्रधान पति राजा आसपास रहने वाले युवकों को साथ लेकर अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में दूसरे मोहल्ले के लोगों ने प्रधान पति के साथ चल रहे एक युवक को रंग लगा दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने युवक के साथ हाथापाई कर दी। शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए और दोनों पक्षों को समझाते हुए घर भेज दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से करीब 10 से 15 युवक मोटरसाइकिल से प्रधान के घर आ गए। सभी अपने हाथों में लाठी डंडे लिए थे। दबंगों ने हमला कर दिया। पथराव में प्रधान पति राजा और उसके परिवार के जतिन, मोनू, संदीप, प्रवीण सहित अन्य लोग घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया और एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। इस मामले में एक क्षेत्रवासी युवक ने यह जानकारी दी। भाई झगड़े का तो कुछ भी वैसे सीन नहीं था। एक हमारे मतलब मोहल्ले से ही परिवार से ही रहते हैं, दूसरे मोहल्ले में, हमारे यहाँ पे 2-3 मोहल्ले। अच्छा। तो वहाँ पर गए थे, वहाँ पे डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे गए थे अपने। हाँ। भाई जाते हैं यार, कुछ कम उसमें जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वहाँ पे बंदे थे, वहाँ पे दूसरे कास्ट के, तो उन्होंने हमारे इधर से छोटे बच्चे थे, हरिजन समाज के थे वो, तो उन्होंने छोटे से बच्चे थे उन पे कहने लगे कि वो गुलाल वगैरह लगा रहे थे, तो उनको गुलाल लगाने के लिए मना किया हुआ उन्होंने। तो उनके साथ वो कहने लगे भाई ऐसी तो बात नहीं है, तो उनके साथ वहाँ पे हाथ दवाई कर दी उन्होंने, तो वहाँ पे मैटर ख़त्म करवा दिया था। मैं चलो कोई बात नहीं, जैसे जैसे ठीक है। फिर वो घर पे आ गए, घर पे आके उन्होंने बाइकों से आए, लठे लेकर आए, भाई पथराव कर दिया घर पे आके उन्होंने, और बच्चे थे घर में घुस गए पुलिस वालों के सामने भी। वो तो पुलिस वालों ने क्या किया, बीच बचाव किया था या और क्या कहते हैं, प्रधान जी का उन्होंने हमला कर दिया, उनके सिर में भी छोटे ईंटें मारी उन्होंने। अच्छा, ये था भाई हमने तो पहले से कुछ झगड़ा चल रहा था या ऐसा कोई सीन नहीं था। सिर्फ ओनली प्रधान की क्यों प्रधान बनाया, हमें क्यों नहीं बनाया प्रधान, अब ये भी कोई हमारे हाथ में है कि प्रधान कौन बनाएगा कौन नहीं, ये था बस। कितने लोग घायल है, क्या क्या नाम है? अब हमारे सब हमारे में ग्राम प्रधान, उनके सिर में ईंट लगी हुई है, मतलब एक सेकंड, कौन कौन है, कौन कौन घायल है? घायल है जतिन और मोनू, संदीप, प्रदीप, राजा और संगीता चौटाला ग्राम प्रधान है, राजा, अन्य और भी लोग हैं। उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है या थाने ले जाया गया? प्यारेलाल थाने ले, किन किन लोगों को ले जाया गया? थाने भी इनमें से पहले थाने गए हैं, थाने से फिर वहाँ पर गए हैं, और ये लड़ाई हुई हमारे साथ। और जो मेन कारण है, जो मेन मुद्दा है ना लड़ाई का, सिर्फ ये है कि प्रधानी इनको प्रधान क्यों बनाया, हरिजन समुदाय है ये बोलता है, और आए दिन गाली गलौज, कहीं कुछ, और थोड़ा सा आज तो कुछ भी नहीं, बच्चों को लेकर इन्होंने झगड़ा किया, और कुछ झगड़ा नहीं है, कुछ ज्यादा झगड़ा नहीं है, और इन्होंने इन लोगों ने पथराव कराया, हमारी तरफ से कोई वो नहीं था, हम तो बैठे हुए थे सब। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट वाइट टीवी। वेलेंटेस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।